नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बड़ी जानकारी दे दें, एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा आज है। सुबह 10:10 पर जॉली ग्रांच एयरपोर्ट पहुंचेंगे, इसके बाद शहीद स्थल जाएंगे। सुबह 10:40 पर शहीद स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन करेंगे। सुबह 10:50 पर शहीद स्थल से सेफ हाउस देहरादून के लिए वो रवाना हो जाएंगे और इसके बाद सुबह 11 बजे द्रौपदी मुर्मू सांसदों और विधायकों के साथ करेंगी बैठक और दोपहर 12:30 बजे सेफ हाउस से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। और आपको बताएं कि दोपहर 1 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से बंगाल के लिए वो रवाना हो जाएंगी, तो बेहद अहम दौरा उनका है। अपने लिए समर्थन की मांग करने के लिए पहुंच रही हैं द्रौपदी मुर्मू और आपको बता दें कि यहां पर भव्य स्वागत की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। एनडीए राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। 10:10 का समय बताया जा रहा है जब वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी, वहां पर उनका स्वागत समारोह होगा और इसके बाद शहीद स्थल वो पहुंचेगी, शहीदों को नमन करेंगी। 11 बजे सांसदों विधायकों के साथ उनकी बैठक होगी और उसमें वो खुद के लिए समर्थन मांगेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली है, पंकज कितने बजे वो पहुंचेंगे, क्या अपडेट है उनके दौरे को लेकर? जय, देखिए 10:10 का कार्यक्रम है उनका जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचने का और वहां पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और एक भव्य स्वागत वहां किया जा रहा है। उत्तराखंड की संस्कृति के अनुरोध के हिसाब से पूरी तरह से वहां तैयारी की गई है। तमाम जो यहां के लोकगीत होते हैं, जो यहाँ के वाद्य यंत्र होते हैं, वो सभी वहाँ पहुँचाए गए हैं और वहाँ पर पूरी तरह से जोर शोर से तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। उनका इंतजार किया जा रहा है, 10:10 पर वो जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुँचेंगी और उसके बाद सीधे वहाँ से देहरादून के लिए रवाना होंगी। सबसे पहले वो यहाँ पर जो राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास शहीद स्मारक बना हुआ है, वहां पर जाएंगी, वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। उसके बाद वो सीधे वहां से सेफ हाउस जाएंगी जहां पर भाजपा के तमाम विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद रहेंगे और उनके साथ वो बैठक करेंगी। यानी कि वो साफ तौर पर कह सकता है कि उनका मिशन उत्तराखंड है ये, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनावों से पहले वो पूरे देश भर के सभी राज्यों में घूम रही हैं और भाजपा जो एनडीए के समर्थित तमाम जो लोग हैं उनसे अपने पक्ष में वोट की अपील कर रही हैं। और भाजपा में यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तराखंड में तो 47 भाजपा के विधायक हैं और 8 सांसद हैं भाजपा के, यहाँ पर 5 सांसद यहाँ पर लोकसभा के हैं और 3 राज्यसभा के हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी से वो आज मुलाकात करेंगी और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी आ जाए, देखिए क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय विधायक भी हैं तो ये एक नज़र रहेगी कि निर्दलीय विधायकों का जो पक्ष है वो किस ओर जाने वाला है, क्या रहेगा। और 2 बसपा के भी यहाँ विधायक हैं तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने वाली होंगी कि क्या वो बैठक में रहेंगे या फिर उनसे जो समर्थन उनका किया जाना है वो किस तरह से यहाँ पर समर्थन उनको देंगे। तो ये सभी तैयारियाँ आज की जानी है और उनका इंतजार किया जा रहा है कि जब वो देहरादून में पहुँचेंगी सभी व्यवस्थाएं की गई हैं, सड़क मार्ग पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, सेफ हाउस के आसपास भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो पहुँच जाएंगी, उसके बाद तमाम भाजपा के दिग्गज नेता वहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो वहाँ पर स्वागत करेंगे। पहले उनका जॉलीग्रांट पर भव्य स्वागत किया जाएगा, उसके बाद वो शहीद स्मारक पहुँचेंगी, उसके बाद सीधा सेफ हाउस जाएंगी और तमाम भाजपा के विधायकों से मुलाकात करेंगे उसके बाद। जी ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि आज उत्तराखंड में बैठक को लेकर भी खबर है। अपने दर्शकों को पूरी खबर बताते हैं और फिर हम आपसे अपडेट लेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो बैठक हो रही है उसका मकसद क्या है। देखिए आज देहरादून के भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में दोपहर 2 बजे भाजपा मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। बैठक में उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे, उत्तराखंड सह प्रभारी रेखा वर्मा और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय शामिल होने वाले हैं। तो ये अहम बैठक होने वाली है, दोपहर 2 बजे का समय इसके लिए बताया जा रहा है। आज देहरादून में भाजपा की अहम बैठक होगी। और बड़ी खबर दे दे देहरादून से, अगली जानकारी ये है कि कांग्रेस नेता कमलेश रमन का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा। बड़ी जानकारी ये मिल रही है, महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष थी कमलेश रमन, कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला को सौंपा उन्होंने अपना इस्तीफा, तो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी उनकी सामने आई और देखिए अब इस्तीफा भी हो चुका
और महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है कमलेश रमन ने। महानगर अध्यक्ष थी महिला कांग्रेस की, ये कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुकी हैं और अपना इस्तीफा इन्होंने महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला को सौंप दिया है। तो लगातार बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष कमलेश रमन का इस्तीफा हो चुका है। और वहीं पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद अचानक से यमुनोत्री धाम में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल है। इस बरसाती सीजन में यमुना नदी के उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम के पास से यमुना के रौद्र रूप की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि किसी भी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है। यमुनोत्री से एक तीर्थ पुरोहित ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि यमुना का वेग यमुनोत्री धाम में बहुत बढ़ चुका है, जिससे कि तीर्थ पुरोहित और सभी यात्रियों में डर का माहौल है। ये देखिए उद्गम स्थल है यमुना का, यमुनोत्री धाम से ये तस्वीरें भेजी गई हैं। श्रद्धालुओं में डर का माहौल है और लगातार जलस्तर बढ़ते जा रहा है। यमुनोत्री धाम में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिला। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहाँ से पुरोहित ने वीडियो बनाकर भेजी है और उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी वजह से लोगों में डर का माहौल अब पैदा हो रहा है। और वहीं मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं और इसका अंदाजा आपको अब जो चार तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं उससे आप लगा सकते हैं। जो पहली तस्वीर होगी वो रुद्रप्रयाग से होगी, जहां अलकनंदा नदी उफान पर है। देखिए तस्वीरें हमने आपके सामने अब रख दी है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं अलकनंदा नदी उफान पर है, रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। दूसरी जो तस्वीर है विकास नगर की है, यहाँ पर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन होने से तहसील से गांवों का संपर्क टूटा है और यही आलम कर्णप्रयाग का भी है, जहां मलबा आने से सड़कें बंद हो चुकी हैं। तो जोशी मठ की अगर हम बात करते हैं तो भारी मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है, जिसे खोलने का काम हो रहा है। तो ये चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मानसूनी सीजन में हालात हैं उत्तराखंड में, उसकी वानगी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण लोगों की जान अब आफत में पड़ गई है। नदी नाले उफान पर हैं तो दरकते पहाड़ भी लोगों को डराने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मानसून की दस्तक के बाद से पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पूरी देवभूमि में नदी नाले उफान पर हैं। अंदाजा आप इन चार तस्वीरों को देखकर भी लगा सकते हैं। कहीं नदियों में सैलाब तो कहीं भूस्खलन होने से लोगों पर मुसीबतों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। उफनते नदी नालों के रौद्र रूप को देखकर लोग डरे सहमे हैं। तस्वीरें कोटद्वार की हैं, जहां उफनता हुआ ये नाला यहां रह रहे लोगों के लिए खतरे का सबब बन चुका है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए। इस नाले का बहाव इतना तेज है कि पुल पार करने के लिए खड़े ये लोग डर की वजह से दूसरी तरफ नहीं जा रहे, और अगर इसका बहाव कम नहीं हुआ तो यहां रहने वाले लोगों को मजबूरी में घरों को छोड़कर जाना भी पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से जोशीमठ में लामबगड़ नाला भी उफान पर है। इसकी वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके वाहन घंटों से एक ही जगह पर रुके हुए हैं। लेकिन जिनको ज्यादा जल्दी है वो जान जोखिम में डालकर भी अपनी गाड़ियों को तेज बहाव के बीच से निकालने में जुटे हैं। कुल मिलाकर इस समय लामबगड़ नाला बद्रीनाथ यात्रा के लिए नासूर बन चुका है। उधर कर्णप्रयाग में भी पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे उमट्टा के पास बंद हो गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की कतारें लग गई। आसमानी आफत का कहर राजधानी देहरादून में भी देखने को मिला, जहां कॉन्वेंट रोड पर बड़ी मजार के पास बारिश की वजह से भारी भरकम पेड़ बीच रोड पर ही गिर गया, जिसकी चपेट में कई दुकानें आ गईं, साथ ही कई बिजली के खंभे भी यहां उखड़ गए, जिससे कई घंटों तक यहां रोड यातायात बाधित रहा।
मूसलाधार आफत से पहाड़ों पर रह रहे लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच देश के कोने कोने से चार धाम आ रहे श्रद्धालुओं की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कहीं भूस्खलन की वजह से यात्री पैदल मार्ग पर फंसे हैं तो कहीं सैलाब के बीच यात्री फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह आफत कम नहीं होने वाली, क्योंकि मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आम लोगों को खुद एहतियात बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पहाड़ पर कुदरत का कहर बरप रहा है, लेकिन ग्राउंड पर इस वक्त स्थिति क्या है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है, मौसम को लेकर ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे पंकज का, जो कि लगातार हमारे साथ देहरादून से बने हुए। पंकज, जो तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग जगहों की, वो तो डराने वाली है, लेकिन फिलहाल क्या राहत है पहाड़ों पर? बिल्कुल जय, देखिए मौसम विभाग ने आज के लिए राहत ही की राज्य की पूर्वानुमान जताया था और पूरे प्रदेश भर में आज मौसम साफ बना हुआ है। राजधानी में भी सुबह से धूप खिली हुई है और यही पूरा जो मौसम का मिजाज है वो पर्वतीय क्षेत्रों में बना हुआ है। हालांकि कुछ स्थानों पर शाम के वक्त हल्की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है, लेकिन अभी मौसम साफ है। ये राहत की बात हम पूरे प्रदेश भर के लिए कह सकते हैं, क्योंकि पिछले जब से मानसून ने दस्तक उत्तराखंड में दी थी 29 तारीख से, उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी था, जिसकी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें हुई थी और अभी तक का जो अनुमान है वो ये बताया जा रहा है कि 250 के करीब जो सड़कें हैं वो बंद हैं। उनमें ग्रामीण मार्ग की सड़कें हैं, जिला मार्ग हैं, उसके अलावा कुछ NH भी इसमें बंद हैं, तो उनको खोलने का काम जारी है। PWD विभाग ने लगभग 250 JCB इसमें लगाई हैं, जो सड़क को खोलने के काम में जुटी हुई हैं। तमाम जो टीमें हैं वो लगातार काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें हुई हैं, खासकर पर्वतीय क्षेत्र जो अति संवेदनशील ऐसी जगह हैं जहाँ पर दिक्कतें होती हैं, चाहे बागेश्वर की बात हो, पिथौरागढ़ की बात हो, उसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, इन जगह की बात हो, तो यहाँ पे इंटीरियर क्षेत्रों में काफ़ी दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही है। कल की एक घटना देखिए बड़ी गंभीर रही है, जहाँ पर जो सुरकंडा देवी मंदिर था वहाँ रोपवे रुक जाने की वजह से कई लोगों की जान खतरे में हो गई थी। तो ये तमाम चीज़ें मौसम की वजह से यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मुसीबतें हैं, लेकिन फिलहाल आज के मौसम को देखकर कह सकते हैं कि आज लोगों को राहत मिलेगी और कल से फिर से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो कल से फिर मुसीबतें पूरे प्रदेश भर में शुरू हो जाएंगी। जी पंकज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पहाड़ों पर किस तरीके से अब आफत बढ़ती जा रही है, लेकिन अपडेट ताज़ा ये है कि अभी वहां पर मौसम साफ है, थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम फिर से खराब हो सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। बात टिहरी की खबर की कर लेते हैं, क्योंकि टिहरी के सुरकंडा देवी मंदिर तक जाने वाली रोपवे ट्रॉली अचानक रुकने से हड़कंप की स्थिति हो गई। रोपवे ट्रॉली करीब 20 मिनट तक एक जगह पर रुकी रही और इनमें से एक ट्रॉली में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद थे, जिन्हें बाद में सुरक्षित निकाला गया। चलते चलते जब अटकी रोपवे ट्रॉली हलक में अटक गई लोगों की सांस, जिंदगी और मौत के बीच झूले लोग, खौफ के वो 20 मिनट। जी हाँ, सुरकुंडा देवी मंदिर की रोपवे ट्रॉली अचानक हवा में ही रुक गई, जिसके बाद 50 से ज्यादा लोग हवा में ही लटके रहे। रोपवे ट्रॉली में टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय भी फंस गए। बताया गया कि तकनीकी खराबी के बाद रोपवे ट्रॉली रुक गई, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक लोग हवा में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। लोगों की सांसें हलक में ही अटकी रही, जिसके फौरन बाद ही रोपवे ट्रॉली में आई तकनीकी खामियां दूर करने की जद्दोजहद शुरू की गई। पूछ लो कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, खाने पीने की व्यवस्था करें कुछ। कड़ी मशक्कत के बाद रोपवे को दोबारा शुरू किया गया और एक एक कर भक्तों को सुरक्षित उतारा गया। उन्होंने उसको तार डाल करके उसको ठीक किया,
अब दोबारा ये चला तो रहे हैं, लेकिन खतरे में नहीं डालना चाहिए ना। बताया गया कि रोपे ट्रॉली दो बार फंसी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिस पर भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने नाराजगी जताई। बड़ा गंभीर सवाल है, जिस तरह से बीच में ट्रॉली रुक गई और लगभग 40-50 लोग जितने भी लोग रहे होंगे, मेरे विचार से इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हम किसी की ज़िंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, और इसका मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं बात करूंगा ये पर्यटन सचिव वगैरह से भी, जो लोग इसको देख रहे हैं और जो ये चला रहे हैं। चलो हम तो ठीक हैं सब लोग, लेकिन मान लीजिए कोई किसी तरह का कोई हार्ट पेशेंट हो, या मान लीजिए किसी में जो है ब्लड प्रेशर का मरीज हो, दूसरी चीज का हो, तो फिर हो जाएगा भाई इस तरह से हम फंस गए हैं। जांच होने तक रोपे ट्रॉली सेवा को रोक दिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि जब रोपे सेवा में तकनीकी समस्या आ रही थी तो उसे चालू क्यों रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बड़ी जानकारी रुड़की से आपको दे दे, कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस का प्लान तैयार हो चुका है। पुलिस ने कांवड़ मार्ग पर तैयार किए वॉच टावर और संदिग्ध लोगों के साथ कांवड़ियों पर नजर रखी जाएगी। कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ाई जाएगी गश्त और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा का आयोजन हो रहा है और ऐसे में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। संदिग्ध लोगों के साथ कांवड़ियों पर नजर रखने का प्लान भी पुलिस की तरफ से तैयार किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। निर्मल अखाड़े पर संपत्ति पर हो रहे कब्जे को लेकर भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखाड़े की संपत्तियों पर कब्जा नहीं होने देंगे और इसके लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बात करेंगे। दरअसल कनखल में निर्मल अखाड़े के संतों से साक्षी महाराज मिलने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने संतों को ये भरोसा दिया। लोग कब्जा करना चाहते हैं वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। अखाड़े की संपत्ति पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, और हमने ये विश्वास अखाड़े को भी दिलाया और मुख्यमंत्री जी ने भी अखाड़े को विश्वास दिलाया है कि आप निश्चिंत रहिए। और चलिए अब खबरों में बात साइबर क्राइम की भी करते हैं। चंपावत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। बनबासा थाने में पीड़िता ज्योति चंद्र ने पुलिस को शिकायत दी थी और कुछ लोगों ने प्राइवेट एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम का भरोसा दिया और फिर उससे 2,55,000 रुपए ठगे, जिसके बाद पुलिस ने ऑनलाइन पेमेंट को आधार बनाते हुए कार्रवाई की। आगरा के मलपुरा से 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 8 मोबाइल, 20 सिम कार्ड भी बरामद हुए। तो नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई थी, लाखों की ठगी का आरोप था इन पर और देखिए गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये 3 आरोपी जिन्होंने इनके ठगी की है उनको पकड़ा है। बेसिकली इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, ये क्विकर जो वेबसाइट है उससे ये फ़ोन नंबर लोगों के कलेक्ट करते हैं, उनको रेंडमली ये फ़ोन करते हैं, जो इनके झांसे में आ जाता है उनको ये जो कॉल लेटर है वो इनको मेल कर देते हैं और उनको ये इनसे पैसों की डिमांड करते हैं, उनकी एक तरह से ये ठगी करते हैं। इस घटना से पहले भी इन्होंने पूछताछ बताया, करीब 15-16 लोगों को इन्होंने ठग चुके हैं, ऑल इंडिया में इन्होंने ये घटनाएँ कर चुके हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो मंत्रियों और न्यायाधीशों के नाम पर लोगों से ठगी करने का काम करते थे। इस गिरोह का जाल दिल्ली, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ है और ये आरोपी इतने शातिर हैं कि कई अधिकारियों को अपना शिकार बना चुके हैं। एक व्यक्ति जो एक्यूज है उसके द्वारा एक सीनियर अधिकारी से संपर्क साधा गया था और अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बताया गया था, तो इस पे जो सीनियर अधिकारी थे उनको शक हुआ, उनके द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस के संपर्क में आने के बाद हमारे द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और तब हमें पता पड़ा कि जो अभियुक्त है उसका कोई भी लेना देना किसी भी न्यायालय से नहीं था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।